गलत नहीं होगा कि उडारिया वॉज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू, या फिर आपके लिए और पहले शोज जो थे या पहले प्रोजेक्ट्स जो आपने किए वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहे हैं? यार मेरे को बचपन से ना एक्टर ही बनना था। जब मैं छोटा था मैंने फर्स्ट मूवी देखी थी हर दिल जो प्यार करेगा थिएटर में, तो मैंने अपनी मोम को बोला, मम्मी वो देखो शाहरुख खान कितना बड़ा लग रहा है, शाहरुख खान कितना बड़ा लग रहा है, तो हम रोज थिएटर में मूवी देखने आएंगे। तो उस टाइम मतलब थिएटर में मूवी देखना मतलब ज्यादा पैसे चाहिए, वैसा सिस्टम होता था ना, जैसे अब तो कैसे भी चले जाओ। तो मम्मी कहती हैं हाँ, लेके जानी है तेनों, मतलब पंजाबी च, हम मैं पंजाबी हूँ। तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे मन में आ गया कि यार मेरे को एक्टर बनना है, पता नहीं क्यों। और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, चीज़ें होती गई होती गई, उड़ारियाँ मेरे को मिल गया। बट मेन स्ट्रगल मेरा एक्चुअली उड़ारियाँ के बाद स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उड़ारियाँ से पहले इतना कुछ नहीं था कि मेरे को एक्टिंग में जाना है, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया अच्छा चल रहा था, मैं इन्फ्लुएंसिंग कर रहा था, मेरे को अच्छे पैसे बन रहे थे। पर उड़ारियाँ के बाद जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की तो मेरे को पता चला यार एक्टिंग मतलब कुछ डिफरेंट ही है, एक्टिंग कर रहे हो तो खो जाना चाहिए। मतलब अंकित भाई से मैं मिला, उनसे मैंने सीखा बहुत कुछ। तो उड़ारियाँ के बाद मेरी लाइफ में ऐसा एक फेज आया था कि मैं मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं टूट चुका था, खत्म हो चुका था, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर वो जब फेज आता है ना तो इंसान क्या 90% जो लोग होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं मतलब। बट जो 10% लोग जो होते हैं जो मेहनत करते हैं उस चीज़ को ओवरकम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने की ट्राई करते हैं, वो जो 10% लोग होते हैं ना वो बहुत आगे जाते हैं, और मैं उन 10% लोगों में से एंड हूँ। यू कंसीडर योरसेल्फ इन दैट। यस। अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इनफैक्ट काफी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी इस चीज से। और मैं ओपनली बोल देता हूँ क्योंकि यार हर किसी की लाइफ में ये फेज आता है। और मेरे हिसाब से जो मेरे पास के लोग हैं ना वो सब टूट चुके हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे में हो गया। बट जो 10% लोग होते हैं ना जो उस चीज़ को ओवरकम कर जाते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि वो दर्द लेके या कुछ भी कह लो वो लेके आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बट मैं कंसीडर कर रहा हूँ मैं आपको वैसा।